हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में 10 ऐसे मिस्टीरियस जगहों के बारे में जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो और आप उनके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां इंसान कभी पहुंच नहीं पाया है। आज हम बात करने वाले हैं वैसी ही रहस्यमयी और मिस्टीरियस घटनाओं और जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस जगह माना जाता है। इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी है। ऐसा कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल अपने पास आने वाली सारी चीज़ों को अपने अंदर खींच लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाली सारी जहाज़ें, शिप, सबमरीन, एयरप्लेन आकस्मिक तरीकों से गायब हो जाते हैं और बाद में उनका मलबा तक नहीं मिलता है। यह ट्रायंगल विश्व के बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच में स्थित है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का यह ट्रायंगल आज मौतों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। हालांकि मौतें तो कम हो गई हैं, साइंटिस्ट ने भी इसकी आधी अनसुलझी पहेलियों को सुलझा लिया है, किंतु आज भी यह एक प्रकार का मिस्टीरियस जगह माना जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ड्रैगन सी, जापान। ड्रैगन सी की कहानी सदियों पुरानी है। यह कहानी भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह, यह जगह भी टोक्यो सिटी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जहाज, शिप, सबमरीन, प्लेन सब गायब हो जाते हैं। कहा जाता है इस जगह पर कंपास का भी काम करना बंद हो जाता है, क्योंकि जापानीज लोग का मानना है यहाँ पर ड्रैगन का वास है। सन 1952 में जापानीज गवर्नमेंट ने जांच के लिए यहाँ पर 31 लोगों का सर्वे टीम भेजा था, किंतु आपको बता दें कि 31 लोग में कोई भी जिंदा वापस लौट नहीं पाया। सब के सब मारे गए या आकस्मिक तरीके से गायब हो गए। आपको बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल और ड्रैगन सी दोनों एक ही जगह पे विपरीत दिशा में स्थित हैं, अर्थात ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पर पाए जाते हैं। कुछ का कहना है यहाँ पर ड्रैगन वास करता है, तो कुछ का कहना है यहाँ पे एलियन वास करता है। इस लिस्ट में अगला नंबर है द ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला, मैक्सिको। आपने इजिप्ट के पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, मगर क्या आपको पता है मेक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड पाया जाता है? चौंक गए क्या? जी हाँ, मेक्सिको की पिरामिड ही दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड है, जिसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। यह कैसे बना, कब बना, किसी को भी नहीं पता है। यह एक मंदिर के आकार का है जिसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं जिससे आप ऊपर जा सकते हैं। यह पिरामिड अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक भावना को पैदा करता है और आज भी एक मिस्टीरियस प्लेस है। बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के तरफ, ब्लड फ्लड्स, एंटार्क्टिका। क्या आपको पता है एंटार्क्टिका सबसे ठंडी माने वाली जगह दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत से कम इंसान जाते हैं और यहां पे रहने वाले इंसान यहां के स्थायी निवासी नहीं हैं। यहाँ का ब्लड फॉल सबसे हार्ड फॉल माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़मीन में आयरन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। इस ज़्यादा मात्रा के कारण जब यह आयरन पानी के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है। कानो क्रिस्टल्स, पांचवें नंबर का यह लिस्ट में, यह लेक कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में पेड़ पौधे और कई छोटे छोटे दुर्लभ जीव होते हैं। इन्हीं कारणों से यह मिस्टीरियस बना हुआ है। म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विटाला टेंपल, हमारे लिस्ट में छठे नंबर पर और इस लिस्ट में अकेला मिस्टीरियस प्लेस जो इंडिया से है। विट्ठल मंदिर कर्नाटका में है, जहाँ 36 पिलर हैं जिसमें 7 सुर निकलते हैं। यह सुर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यह मंदिर बनाते समय ऐसा
धातु का प्रयोग किया गया है जिससे इसमें अलग अलग तरह के आवाज़ें निकलती रहती हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह किस धातु से बना है यह हमें नहीं पता है, और आज भी ऐसा एकमात्र मंदिर है इस विश्व में। अब बात करते हैं 7वें नंबर पर द जोन ऑफ साइलेंस इन मैक्सिको नामक लिस्ट में 7वें नंबर पर यह जगह मैक्सिको में स्थित है। ये मैक्सिको की ऐसी जगह है जहां रेडियो सिग्नल्स काम करना बंद कर देती हैं। यहां तक यह एरिया मेट्रॉइड्स को भी खींच लेती हैं। सन 1970 में जब यह सुर्खियों में आया था, जब अमेरिका का एथीना रॉकेट यहां पर आकर गिरा था, इस रॉकेट को ग्रीन रिवर से सैंड मैक्सिको जाना था, मगर यह किसी टेक्निकल खराबी के वजह से यहां पर आकर गिरा। साइंटिस्ट का मानना है यहां कई मैग्नेटाइट हैं, पर आप माने या ना माने यह जगह भी पिरामिड मैक्सिको, बरमूडा ट्रायंगल, ड्रैगन सी के लेटीट्यूड पर ही आता है। 8वें नंबर पर है जोकोव वेल। आप सोच रहे होंगे एक वेल कैसे मिस्ट्री हो सकता है, मगर आपको बता दें जोकोव वेल अमेरिका में स्थित है, जहां 1850 में इस वेल को लेकर काफ़ी मौतें हो चुकी हैं जिससे यह चर्चित में रहा। यह जगह अब एडवेंचरस प्लेस के नाम से जाना जाता है। यहां पर मौतें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, किसी को नहीं पता, जिस कारण से यह जगह आज मिस्टीरियस जगह के नाम से जाना जाता है, जहां पर जाना मना है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है डेड सी। इस सी में आप तैर नहीं सकते हैं क्योंकि यहां कोई नहीं तैर सकता है। इस सी का आप पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि इसमें नमक और तेल की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। नमक और तेल की मात्रा होने के कारण यहाँ पर आप तैरने के बजाय लेट सकते हैं। जी हाँ, इस सी पर आप लेटेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप मरे हुए हैं और एक डेड बॉडी की तरह आपकी बॉडी दिखेगी। द नास्का लाइन्स पेरू। ऐसा माना जाता है 400 से 600 BC में बनाया गया यह लाइन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय हुआ। अगर आप यह लाइन ध्यान से देखें तो आपको अलग अलग जीव दिखेंगे, मगर मिस्ट्री तो यह है कि इसे आप सिर्फ हवा से देख सकते हैं, मतलब इसे आप सिर्फ हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन की सहायता से ही देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान को दिखाने के लिए यह लाइन्स बनाई गई हों। खैर, जो भी हो, यह लाइन्स आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं और अपने वजूद को हवा में दिखाती हैं। यह लाइन्स किसने बनाया, कब बनाया, इसका सबूत किसी के पास नहीं है, इसीलिए इस घटना को मिस्टीरियस घटनाओं में माना जाता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव अवश्य दें।